हेलो स्टूडेंट्स, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या प्रॉब्लम है कि बिल्कुल है तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा इसमें एक ज्योमेट्री का भी यूज आएगा। यदि एबीसी त्रिभुज की तीन भुजाओं को प्रदर्शित करे, यानी एबीसी या क्या है, तीन नंबर है और ये तीनों त्रिभुज की तीन भुजाओं को निरूपित करता है, तो मैसेज कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन वन तथा लेस देन टू, ये हमें प्रूव करना है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं दो वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा। पहले पार्ट में मैं लेस ग्रेटर देन वन प्रूव करूंगा और सेकंड इसका जो वीडियो लेक्चर है उसमें लेस देन टू को प्रूव करूंगा, ताकि ये छोटे छोटे वीडियो है वो आप आसानी से इसको पढ़ सकें और जो जो टाइम मिले इसको आप देखते रहे और सॉल्व करने की कोशिश करें। इसलिए अपेक्षा रहती है कि जो लेक्चरर है वो ज़्यादा क्या है, लेंदी नहीं हो, ताकि आपको सॉल्यूशन मिले। तो पहले मैं एक बीस वाले पार्ट को प्रूव करता हूँ। तो यहाँ देखिए हम तीन नंबर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तथा सी स्क्वायर लेने पर हम तीन नंबर लेते हैं और वही कंसेप्ट अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। पहले इन दोनों कर लेते हैं ए स्क्वायर तथा बी स्क्वायर से, पहले ये दो ले लेते हैं। तो इसका अर्थमेटिक मीन प्लस बी स्क्वायर बाई टू ग्रेटर देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर वन बाई टू, तो क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन ट्वाइस ए बी, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इसी प्रकार जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिया तब भी आया, इसी प्रकार जब ए स्क्वायर तथा सी स्क्वायर लेने पर ये लेते हैं तो वही सिमिलरली क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ट्वाइस ए सी, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली बी स्क्वायर तथा सी स्क्वायर लेने पर, क्योंकि एक बार ए भी ले लिया ए स्क्वायर भी लिया फिर ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी तीनों का ले लेते हैं, लेने पर तीनों का अपन ले लेते हैं, तो क्या बना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ट्वाइस बी सी, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप देखिए इसका स्क्वायर इससे बड़ा है, इसका स्क्वायर इससे बड़ा है, इसका स्क्वायर ये बड़ा है, यानी ये इनइक्वालिटी इससे ग्रेटर है, ये इनइक्वालिटी इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर नहीं है, तो तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसके तीनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने बताया था ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है, तो ए सी होगा वो बी डी से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो इसका एडिशन करते हैं, इसका एडिशन किया तो क्या आया ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और टू कॉमन आ गया ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, अब ये टू से टू बढ़ गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी बी सी और सी ए। अब देखिए हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी चाहिए, तो आप क्या करते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से क्या करते हैं भाग देने पर, डिवाइड करने पर, डिवाइड इसे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी प्लस सी ए ग्रेटर देन, इसको इसे डिवाइड किया तो क्या आया वन आया। तो इस प्रकार ये तो फर्स्ट पार्ट है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस सी ए ग्रेटर देन वन, ये हमारा प्रूव हो गया। इस सेकंड जो पार्ट है लेस देन टू, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रूव करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।